हेलो सर जी, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, ये प्रोजेक्टर रखा हुआ TS-LT09A प्रोजेक्टर है, और ये टेप लगा रखा है मैंने। एक सर को ही वीडियो बनाकर देना है, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बना रहा हूँ ये मैं। उनका 9 फिट की डिस्टेंस से प्रोजेक्टर चलाना है। देखिए, स्क्रीन के पास से लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 9 फिट पे। ये मैंने यहाँ रख रखा स्टैंड, देखिए मैं पास से दिखाता हूँ आपको। ये रखा हुआ है 9 फिट पे, ठीक है। और इसका लेंस भी देखिए मैंने इसी तरीके से सेट किया है कि 9 फिट पे जो है ये आ जाए। ओके, और कनेक्टिविटी आप देख ही लीजिए, हालांकि कि दिख रही तो इसलिए मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 USB है, 2 HDMI AUX AV कनेक्टिविटी है, और VGA। यहाँ बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, फोकस व्हीलिंग दिया हुआ है यहाँ पे, कीस्टोन के लिए कीस्टोन व्हील यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी प्रोजेक्टर ऑन करते हैं। TS-LT09A मॉडल है, और यहाँ आप देख सकते हैं 9 फिट का डिस्टेंस है ये। और यहाँ जो है देखिए, मैं भी यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ इसे। प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है। Android 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम है। Android 9 डिजिटल 4D की स्टोन, डिजिटल जूम इन वगैरह सब आपको प्रोजेक्टर में मिल जाएगा। आप USB से इसमें 4K मूवी भी डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, अभी जो है ये स्क्रीन साइज़ बना हुआ है, मैं आपको नक्ती करके ही दिखाऊंगा पूरी कितना आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन साइज़। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं मोबाइल को जो है मोबाइल स्टैंड पे सेट कर देता हूँ। यहाँ आपके सामने ही है पूरा, नपती वगैरह करूँगा मैं अभी। हालांकि ब्लू लाइट एक ऑन है यहाँ पे, फुल डार्क रूम तो नहीं है। और मैं आपको पूरा साइज यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे पूरी हाइट दिखा देता हूँ, 9 फिट की डिस्टेंस से कितनी हाइट बना रहा है प्रोजेक्टर। 3 फिट 8 इंच की जो है हाइट आ रही है प्रोजेक्टर की। और लेफ्ट टू राइट नक्की कर देते हैं एक बार। छः फिट 10 इंच हाइट है, तो हाँ लेफ्ट टू राइट है। ओके, हाइट जो है आपकी यहाँ पे 3 फिट 10 इंच आ रही है, और लेफ्ट टू राइट आपका 6 फिट 10 इंच है। और क्रॉस में नाप लेते हैं एक बार कितने इंच का स्क्रीन साइज बना रहा है प्रोजेक्टर। देखिए मैंने हाथ रख रखा है यहाँ पे, इधर तक आ रहा है स्क्रीन पूरा इसका। 93 इंच का स्क्रीन साइज 9 फिट के डिस्टेंस से TS-LT09A प्रोजेक्टर बना रहा है। तो सर देखिए, आपको यहाँ पे ये बेनिफिट प्रोजेक्टर में रहेगा। देखो, आप अगर LED लेते भी हो, आप बोल रहे थे कि क्या सजे, तो ये फिर भी एक बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ है, ये कोई छोटा स्क्रीन साइज़ नहीं बना हुआ है। LED के मुकाबले आप देखेंगे तो 14,500 रुपये में आपको बहुत बेस्ट प्राइस में, देखिए इतना बड़ा स्क्रीन साइज़ यदि मिल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक सेकेंड के लिए डे लाइट भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ के होली के कारण यहाँ पे ये गाने वगैरह बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा उजाला करता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं फुल डे लाइट यहाँ कर दिया है मैंने। ये डोर जो है ओपन किया हुआ है, देखिए प्रोजेक्टर क्लियर ही नज़र आ रहा है। मोबाइल का टॉर्च बंद कर देता हूँ, ये देखिए इतनी लाइटिंग है। और यहाँ आप डे लाइट पे आराम से इस प्रोजेक्टर के यूज़ में ले सकते हैं, यहाँ तक कि मैं तो ये बोलूँगा 100 इंच 120 इंच तक के भी आप यूज़ में ले सकते हैं। मैं डोर जो है कर देता हूँ, और ये
फुल डार्क रूम कर दिया है मैंने, और आप फिर भी आपके पास देखिए ये ऑप्शन रहेगा, कभी आपको किसी दूसरे रूम में, गार्डन में या कहीं भी चलाना प्रोजेक्टर को, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे मतलब बड़ा स्क्रीन कर सकते हो। एलईडी में एक बार आपने जो स्क्रीन साइज ले लिया तो आपको वही री स्क्रीन साइज करके रखना पड़ेगा, चाहे आप 85 इंच ले लें, 80 इंच, 55 इंच जो भी लेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको छोटा स्क्रीन कर सकते हैं, और चाहे तो जब आपके पास थोड़ा स्पेस हो या कहीं और चलाना हो, गार्डन वगैरह में कभी कभार मैच वगैरह जैसे आप बोलते हैं देखते हैं, तो आप इसको बिल्कुल बड़े स्क्रीन पर यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, आप मॉडल यही वाले लीजिए, और आपको कम से कम प्राइस में देखिए इतना बड़ा स्क्रीन साइज़ यहाँ मिल भी रहा है। देखिए बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ है यहाँ, एलईडी के मुकाबले तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा एलईडी भी लेने जाते हैं तो मेरे हिसाब से मान के चलिए, क्योंकि मेरे को एलईडी का प्राइस वगैरह तो नहीं मालूम है, लेकिन कस्टमर ही बताते हैं कि 80 से 1 लाख के बीच में भैया बड़ा स्क्रीन वाला जो एक एलईडी होता है वो आता है, बल्कि इतना बड़ा तो लेंगे तो मुझे लग रहा और ज़्यादा ही आपको महंगा मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये प्रोजेक्शन सेटिंग भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको छोटा करना हो जैसे लग रहा है तो आप यहाँ से और भी छोटा कर सकते हैं। आपका देखिए अगर आप एलईडी लेते भी हैं तो मुझे लग रहा है इतना बड़ा करीब एलईडी रहता है, ठीक है। एलईडी जो रहता है हम बोलते हैं 80-85 इंच का इतना बड़ा होता होगा एलईडी बस, ठीक है। और आप यदि छोटा भी लेंगे तो इतना बड़ा एलईडी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा। अब कहाँ इतना बड़ा आपको आप लेने जाएंगे तो मान के चलो 40-50 हज़ार का आएगा आपका, और आप मेरे हिसाब से प्रोजेक्टर लीजिए। हाँ देखिए इतना बड़ा स्क्रीन आपको मिल रहा है, और एंड्रॉयड भी है, स्मार्ट भी है, ठीक है। वाईफाई, मिरर स्क्रीन, सब चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है, यूट्यूब, ब्लूटूथ सब मिल जाएगा आपको प्रोजेक्टर में। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट चॉइस रहेगी यहाँ पे, आप प्रोजेक्टर परचेस कर लिए कर लो ये वाला, आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। कि हाँ स्क्रीन साइज़ भी मैंने आपको इसी प्रोजेक्टर की इसलिए दिखाई है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डिस्टेंस बताता है। अब आप 11+ भी मैं आपको बता रहा था, लेकिन 11+ में यही है कि आपको जो है 11+ के अंदर आपको स्मार्ट में चाहिए तो स्मार्ट में यही है मेरे पास, और फिर और जो मॉडल हैं तो वो क्या है ना थोड़ा छोटा स्क्रीन साइज़ बनाएंगे, ये अपना छोटा थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज़ बना रहा है, इसलिए मैंने आपको ये वाला मॉडल दिखाया। तो मेरे हिसाब से आपका स्क्रीन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपको इतने प्राइस में आपका काम हो जाएगा, और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त, ठीक है सर। और मैं आपको यहाँ वीडियो वगैरह भी प्ले करके दिखा देता हूँ, और ये यूट्यूब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो प्ले करूँगा तो इसलिए अपलोड करूँगा, तो उसके लिए मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वीडियो प्ले करके दिखाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरिटी तो सुपर है, और 10 वाट का स्पीकर है, आपको आवाज़ की भी कोई कमी नहीं होगी, आवाज़ भी बिल्कुल इनाफ है जितनी होनी चाहिए। YouTube से ये वीडियो प्ले किया है मैंने, नाइन्टी थ्री इंच का स्क्रीन साइज बना हुआ, 90 फिट की दूरी, ओ सॉरी 9 फिट की दूरी से 93 इंच का स्क्रीन साइज। क्लियरिटी शानदार मिलेगी आपको यहाँ पे, और बेस्ट ऑप्शन है, मैं यही बोलूंगा प्रोजेक्टर लो। यहाँ कुछ वीडियोस प्ले करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि क्लियरिटी का भी आइडिया लग जाए आपको थोड़ा। जब आप एक बड़े स्क्रीन पे कोई मूवी या प्रोग्राम देखते हैं ना, तो एलईडी से कई ज़्यादा मज़ा आपको प्रोजेक्टर पे ही आएगा, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बड़े स्क्रीन का एक अपना ही मज़ा रहता है, बड़े स्क्रीन में बिल्कुल सिनेमैटिक अपने को एक्सपीरियंस होता है। तो सर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये मॉडल लीजिए और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और मेरे जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो ये प्रोजेक्टर
ले सकते हैं ये वाला प्रोजेक्टर, और कम डिस्टेंस के हिसाब से सबसे बड़ा स्क्रीन साइज़ यही प्रोजेक्टर बनाता है मेरा, और एक 11+ मॉडल है ये मॉडल। में आपको स्मार्ट में चाहिए तो आप ये वाला लीजिए कम डिस्टेंस से बड़ा स्क्रीन साइज़ बनाने के लिए, और बेसिक में चाहिए तो 11+ लीजिए। ये एक ऐसे मॉडल हैं जो 9 फिट की दूरी से अपना 90 इंच का स्क्रीन साइज, 93 तो बना ही रहा है, 110 फिट से 130 इंच का स्क्रीन साइज, इस तरीके से स्क्रीन साइज़ बनाते हैं ये, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसके अंदर होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप यही वाला मॉडल लीजिए, दो मॉडल हैं कम डिस्टेंस से बड़े स्क्रीन साइज़ बनाने के लिए। तो आप बिल्कुल ये मॉडल परचेस कर सकते हैं, TFLT09A मॉडल है, एंड्रॉयड 9 है, 1 GB रैम, 8 GB रोम है, फुल HD 1080p नेटिव है, 5000 लूमिनस है, ANSI लूमिनस 300 है, और मूवी देखने के लिए इनाफ है बिल्कुल इतनी ब्राइटनेस। ठीक है, आपका यदि रूम का साइज़ 9 फिट से, देखिए वीडियो मैंने प्ले किया है यहाँ पे, जो कि 93 इंच का स्क्रीन साइज़ बना रहा है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का प्राइस 14,500 रुपये है। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो जो भी आपको बेस्ट प्राइस होगा वो करके दूंगा मैं दोस्तों। और प्रोजेक्टर आपको 1 ईयर वारंटी के साथ में मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए और प्रोजेक्टर परचेस करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।